ऊपर से काटो, तुम तो इस बात को मत बोलो मेरे को, ऊपर से काटो खाला। हम बहुत परेशान हो गए, हम रातों रात सब तो सोए रहते हैं, चेक लेने को खड़े हो जाते हैं, हम सारे रात भर बैठ के तपस्या करते हैं। हम लोग हैं बाहर आने का हमारे रास्ता, अभी इतना घटना हो गया, हम वहाँ खड़े हैं, ऐसे तड़क रहे हैं, उधर से चिल्ला रहे हैं, उधर को जा रहे हैं, इधर को जा रहे हैं। समस्या अभी आज ही देखने में क्या आई कि रिस्पना की जो रिस्पना नदी का जो हाइट है, डेफ थी, जो गहराई थी, वो ऊंची होगी। तो भगत सिंह कॉलोनी से जो पानी आ रहा था पुल पे, वो इतना पानी, पहले तो जैसे रिस्पना की गहराई 10 और 20 फीट होती थी, अभी वो 4-5 फीट। अब वो जो पानी था वो रिस्पना से टकराने की वजह से इधर आया, और भगत सिंह का पानी भी इधर की तरफ आया कि वो रिस्पना पे जा नहीं पाया। और ये खाली की ये गहराई है कम, चौड़ाई भी कम, उसने नाले को बिल्कुल खत्म ही कर दिया। अब सारा पानी वहाँ पे रुकता है, रुकने के बाद जो है सारा पानी बैक एकदम आता है। यहाँ पर कम से कम 2.5 से 3 घंटे तक लग सकते हैं, 9 जैसी भी काम कर रहे हैं।